ये तस्वीरें हम लगातार आपको पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक तरीके से सुबह सुबह अपने वोट डालने के लिए पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बेहद ही सीनियर लीडर, क्योंकि कांग्रेस के ये बेहद सीनियर लीडर और यहाँ पर खासा इनका दुर्ग क्षेत्र में जहाँ पर हम बात करें, छह मंत्री यहाँ पर, उनमें से एक ताम्रध्वज साहू भी, और दुर्ग ग्रामीण से ये प्रत्याशी हैं। एक बड़ा क्षेत्र और खासा प्रभाव रखने वाला क्षेत्र है जहाँ पर ओबीसी वर्ग का एक बड़ा तबका यहाँ पर, और यहाँ पर ताम्रध्वज साहू ने वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं, बूथ में इस वक्त पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने इस वक्त। और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो एक तरीके से ये बता रहे हैं, इशारा करके कि ये बता रहे हैं कि आप, इन्होंने वोट दे दिया है, आप भी पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू और प्रदेश में गृह मंत्री रहे और सबसे सीनियर लीडर में से एक, कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर में से एक। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे तहसीन का। तहसीन, इस वक्त कौन से बूथ पर मौजूद हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के जो, क्योंकि एक महापर्व होता है लोकतंत्र का, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का, तो इसमें भाग सबको लेना चाहिए। पहले चरण का हालांकि मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का कितना उत्साह आप जनता के बीच में जा भी रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? काफी उत्साह है लोगों में, चुनाव में वैसे ही उत्साह आ जाता है सब लोगों में, तो इस बार भी काफी उत्साह है लोगों में, आम जनता में, मतदाता में, और कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त इससे मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। पहले चरण में तकरीबन 70% मतदान हुआ, दूसरे चरण से कितनी उम्मीद जता रहे हैं? हम लोग 74 पार पहले से लेके